बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी के साथ फिल्म डिबुक में नजर आई एक्ट्रेस निकिता दत्ता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। निकिता दत्ता को पहचान शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह से मिली थी। फिल्म में उनके अभिनय को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। हाल ही में निकिता के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसे सुनकर उनके फैंस परेशान हो गए हैं। निकिता ने अपने साथ हुई इस घटना के बारे में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर किया है। आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल NN बॉलीवुड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। निकिता दत्ता ने अपने पोस्ट में बताया कि जब वो शाम वॉक पर जा रही थी तभी पीछे से दो आदमी बाइक पर आए और उनका फोन छीनकर चले गए। निकिता इस हादसे से काफी ज्यादा परेशान हैं। निकिता ने अपने पोस्ट में अपने साथ हुई घटना बयां करते हुए लिखा, मैं सभी के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। बीता दिन मेरे लिए परेशान करने वाला रहा और ये 24 घंटे मैं उसी घटना के बारे में सोच रही हूँ। मैं बांद्रा की सड़क पर वॉक कर रही थी शाम को करीब 7:45 बजे। इस दौरान दो आदमी मेरे पीछे से बाइक पर आए और उन्होंने मेरे सिर पर टैप किया जिससे मेरा ध्यान हट गया और फिर उन्होंने तेजी से मेरे हाथ से फोन छीन लिया। जब तक मैं कुछ रिएक्ट कर पाती वो वहाँ से चले गए। इसके बाद 3 से 4 सेकंड तक मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। जब तक मैं खुद को संभालती और उनके पीछे भागती वो बहुत दूर चले गए थे। निकिता ने पोस्ट में आगे लिखा, मेरे आसपास जो लोग थे वो बहुत अच्छे थे और मेरे पास मदद के लिए आए। एक शख्स तो बाइक से उनके पीछे भी भागा लेकिन वो तब तक बहुत आगे जा चुका था। मुझे इस हादसे से पैनिक अटैक आ गया था। खुश नसीब थी कि इस दौरान आसपास अच्छे लोग थे जिन्होंने मेरा हाल पूछा, पानी पिलाया क्योंकि मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। इसके बाद मैंने बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की, जो भी प्रोसीजर था वो पूरा किया। निकिता ने पोस्ट के साथ लिखा, ये मैसेज मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि लोग जागरूक हो जाएं। आशा करती हूँ कि ऐसा किसी और के साथ ना हो। किसी ने जो मेहनत से कमाया है उसे बिना अपनी गलती होने के उसे गंवाना ना पड़े। बता दें कि निकिता ने साल 2016 में एक दूजे के वास्ते शो से टीवी जगत में डेब्यू किया था। दर्शकों को काफी पसंद आया था उनका डेब्यू। वहीं निकिता ने बॉलीवुड में लेकर हम दीवाना दिल से डेब्यू किया था मगर उन्हें पहचान शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह से मिली थी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।